On the news track, not just are we in the middle of a pandemic, we could be in the middle of a job epidemic as well, because the Center for the Monitoring of the Indian Economy and the man who runs it, Mahesh Vyas, will be joining me on this broadcast, as also Jay Panda, for a government's perspective on what we're seeing. 27% of... हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज देश में नौकरियों की बात नहीं हो रही है, बल्कि आरक्षण की बात हो रही है। आप सभी को जानना चाहिए कि जब नौकरियां होंगी तभी आरक्षण काम करेगा, लेकिन आज उल्टा हो रहा। नौकरियों में आरक्षण का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रदेश में ये अनाउंस कर दिया, ये घोषणा कर दिया कि अब प्रदेश में सिर्फ प्रदेश के युवाओं को ही रोजगार मिलेगा, जो सभी गवर्नमेंट के पद होंगे, चाहे वो किसी भी विभाग के होंगे, सभी में पूरी 100% जो पोस्टिंग होंगी वो सिर्फ राज्य के लोगों का ही होगा, और इसमें रोजगार का संकट खत्म होगा, ऐसा सरकार ने कहा। और प्रदेश में विकास होगा मूल युवाओं के माध्यम से, क्या जो बाहरी युवा आते हैं उनके माध्यम से क्या राज्य का विकास नहीं होता है? लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा, इसके पहले 2009 में इनकी ही सरकार ने इसी तरह से घोषणा की थी, लेकिन भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से खारिज किया, कहा कि ऐसा राज्य सरकार ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं बना सकती जिसके माध्यम से जो नागरिक है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो अपने आजीविका के लिए ही, काम धंधे के लिए ही जाता है, तो उससे कोई भी अगर नुकसान होता है तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट उसे उस नियम को रद्द कर सकती है। लेकिन फिर भी अलग अलग राज्य हैं। आज हम करीब लगभग 10 से 12 राज्यों के बारे में बात करेंगे कि जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर हुआ, गवर्नमेंट सेक्टर हुआ, वहाँ पे क्या नियम है, कितना परसेंट आरक्षण है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कोई भी इस तरह से नहीं डिफाइन किया गया है कि यहाँ के युवाओं को इतना परसेंट आरक्षण दिया जाएगा, यहाँ की इतना नहीं दिया जाएगा। ऐसे लगभग हम 10 से 12 राज्यों के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आज का जो हमारा प्रश्न है जिसपे हमारा डिस्कस होगा, इस विवाद पर संविधान क्या कहता है, सबसे पहले तो ये समझेंगे, और विशेषज्ञों की राय क्या है, और अन्य राज्यों में क्या क्या नियम है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं विस्तार से। सबसे पहला पॉइंट है कि मध्य प्रदेश सरकार ने क्या कहा, इसको लेकर कई मंत्रियों ने भी इस तरह से सराहना की है कि सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसी मंगलवार को ट्विटर के माध्यम से एक वीडियो जारी किया जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई थी। इनके ट्वीट इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाया भी जा रहा है। मेरे प्यारे भांजे और भांजियों, जैसे मोदी जी का एक ये नारा होता है भाइयों बहनों, उसी तरह से अलग अलग नेताओं का एक अपना अलग लोगो बना लेते हैं। मेरे प्यारे भांजे और भांजियों, आज से मध्य प्रदेश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका होगा, मध्य प्रदेश के बच्चों का होगा। सभी शासकीय नौकरियां, इसका मतलब होगा कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होंगी मध्य प्रदेश में, सिर्फ एमपी के बच्चों के लिए ही होगा, और हमारा लक्ष्य प्रदेश की प्रतिभाओं को प्रदेश के उत्थान में सम्मिलित करना, ऐसा वहां की सरकार ने कहा। इसके तुरंत बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ट्वीट कर फैसले को ऐतिहासिक बताया और सरकार का समर्थन किया, क्योंकि सरकार उन्हीं की है तो समर्थन तो करना बनता है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में इस मुद्दे को लेकर कोई अंतर नहीं है। जैसा बीजेपी के नेताओं का इस तरह से बयान आया कि यह ऐतिहासिक फैसला, ऐसा सरकार को करना चाहिए था, ऐसा मध्य प्रदेश में युवाओं की जरूरत है, वैसा ही एकदम इस तरह से जो राय है, विचार है, वो कांग्रेस पार्टी का आया है। जैसे कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल के उपाध्यक्ष भूपेन्द्र गुप्ता का कहना है कि यह फैसला भले ही देरी से आया हो लेकिन दुरुस्त आया है। मध्य प्रदेश के युवाओं में जिसमें भी हित होगा, जिस भी फैसले में होगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से किया जाए या बीजेपी पार्टी के माध्यम से किया जाए, कांग्रेस पार्टी उस मुद्दे को, उस मामले को हमेशा समर्थन करती रहेगी। इसके साथ इन्होंने ये कहा कि ये कांग्रेस सरकार की देन है और इसे आज से 15 साल पहले ही मध्य प्रदेश युवाओं के लिए लागू किया जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर लागू किया गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन और जो पार्टियां हैं, जो विपक्ष में पार्टियां हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले को लेकर, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में नौकरियां तो सभी के लिए है लेकिन मध्य प्रदेश में सिर्फ राज्य के लोगों के लिए है, इस तरह से इन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से तंज कसा है। इसी पॉइंट में कुछ आंकड़ों पर भी नजर डाल लिया जाए, अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपके लिए ये डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। जैसे पिछले वर्ष की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में 7 लाख नए युवा
रोजगार के लिए मांगने के लिए पैदा हुए। जैसे किसी ने कोई भी काम किया, जैसे बीएससी कर लिया तो हमें जॉब चाहिए, बीए कर लिया तो हमें जॉब चाहिए, इंटर कर लिया, हाई स्कूल कर लिया उसके बाद उसको जॉब चाहिए, तो कोई बीटेक करके बैठा हुआ कि हमें जॉब चाहिए। तो इस तरह से पिछले साल 7 लाख लोग मध्य प्रदेश में रोजगार मांगने के लिए तैयार हुए। लेकिन सरकार ने कितने लोगों को रोजगार दिया पिछले साल? क्या 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या सभी 7 लाख लोगों को? मात्र 34,000 लोगों को ही रोजगार पिछले साल मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से दिया गया है। और बाकी 6,66,000 लोग आज क्या कर रहे हैं इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है, चाहे वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, क्योंकि इस पिछले एक सालों में दोनों की सरकार आ चुकी है और जा चुके हैं, इनको कोई जॉब नहीं मिला। और जनवरी अगर मैं 2020 तक के आंकड़े के बारे में बात करूं तो इस तरह से मध्य प्रदेश में आज करीब 40 लाख युवा बेरोजगार बैठे हुए, जिसमें से 27 लाख तो नौजवान लोग हैं और बाकी जो 13 लाख होते हैं जिनकी उम्र बहुत अधिक हो जाती है, जिसने हम अधेड़ कहते हैं, वे लोग आज राज्य में बेरोजगार घूम रहे हैं। आप सभी को यह भी जानना चाहिए कि बेरोजगारी के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान पूरे भारत देश में तीसरे स्थान पे आता है। सबसे जरूरी बात यह भी है कि जैसे कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने कि अब मध्य प्रदेश की युवाओं को ही रोजगार मिलेगा गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट में तो पहले ही 70% आरक्षण कर दिया गया है। लेकिन आप सभी ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर सभी गवर्नमेंट सेक्टर, सभी प्राइवेट सेक्टर अगर ये ठान मिले कि सिर्फ हम मध्य प्रदेश की युवाओं को ही रोजगार देंगे, तो अब से सिर्फ 5 लाख नए लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। जबकि इस समय जनवरी 2020 तक की मैं बात कर रहा हूं तो सिर्फ 40 लाख लोग मध्य प्रदेश में बेरोजगार घूम रहे हैं। तो 40 में से सिर्फ 5 लाख को रोजगार दे रहे हैं तो 35 लाख कहां पे जाएंगे? क्या दूसरे राज्य में रोजगार मिलेगा? जैसा आपने कहा कि हम दूसरे राज्य के लोगों को रोजगार नहीं देंगे, तो क्या आपको दूसरे राज्य के लोग आपको रोजगार देंगे या दूसरे राज्य की सरकार क्या आपको रोजगार देगी? यह भी आप सभी को सोचना होगा। अभी तक हमने बात किया पहले पॉइंट में मध्य प्रदेश सरकार, विपक्ष और कुछ आंकड़े। इसके बाद का जो हमारा पॉइंट है, स्टेट वाइज डाटा रिजर्वेशन गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। किस राज्य में गवर्नमेंट सेक्टर में इतने परसेंट आरक्षण दिया गया है कि उतना सीट तो भरना ही भरना होगा, उसी तरह से प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की बात की गई है। जैसे यहाँ पे कैटेगरी वाइज बात किया जाएगा, जैसे कैटेगरी ए में कुछ राज्य होंगे, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी, तीन कैटेगरी में बात किया जाएगा। कैटेगरी ए में वे राज्य है जहाँ पे काम करने के लिए कोई भी पद आरक्षित नहीं है, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर लें या प्राइवेट सेक्टर के। ये कौन से राज्य हैं? जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली। यहाँ पे इन चार राज्यों में कहीं के लोग हों, किसी भी राज्य के हों, भारत के किसी भी राज्य के लोग यहाँ पे आके गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में कोई भी काम कर सकते हैं। रोजगार की समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक जॉब पोर्टल भी बनाया, आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा, आप यहाँ पे जॉब ले भी सकते हैं और जॉब दे भी सकते हैं। जॉब लेने देने की बात यह है कि जैसे आप मान लीजिए अकेले हैं तो आप जॉब लेंगे, अगर आपके पास कोई कंपनी है या आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप वहाँ से लगभग 8 से 10 जितना भी आपको चाहिए, जरूरत है उतने लोगों को हायर कर सकते हैं। इसी तरह कैटेगरी बी में वे राज्य जहाँ पे कोई एक सेक्टर, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, वो आरक्षित है। इसमें कौन कौन से राज्य हैं? जैसे सबसे पहला नाम आता है पंजाब राज्य। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में कोई भी पद या कोई भी सीट जो होती है, कोई भी जॉब आरक्षित नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर की बात आती है तो यहाँ पे पंजाबी होना मूल निवासी आवश्यक है। इसके साथ साथ आपको पंजाबी भाषा में हाई स्कूल की परीक्षा पास होना अनिवार्य है, तभी आपको पंजाब में गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। दूसरा राज्य है उत्तराखंड। प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे कोई भी आरक्षण नहीं है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे तो यहाँ पे 70% जो सीटें हैं औद्योगिक क्षेत्रों के लिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, वहां पे इनके लिए आरक्षित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य में प्राइवेट सेक्टर में कोई भी आरक्षण नहीं है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां का मूल निवासी होना आपके लिए जरूरी है, तभी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। इसी तरह से कैटेगरी बी में दो और राज्य हैं, झारखंड। 75% आरक्षण की मांग हो रही है प्राइवेट सेक्टर के लिए और वहीं 100% गवर्नमेंट सेक्टर में मांग हो रही है, लेकिन अभी तक इस राज्य में लागू नहीं हो सका है। मध्य प्रदेश राज्य की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर में 70% आरक्षण लागू है,
लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में 100% करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश में लागू नहीं हो पाया। सरकार ने कहा लेकिन अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, उसके बाद केंद्र सरकार फैसला लेगी, उसके बाद ही लागू होगा। तो ऐसे में बहुत ही लंबा समय लग जाएगा। तो ये थे कैटेगरी बी के। इसके बाद हमारा जो आएगा कैटेगरी सी, इसमें कौन कौन से राज्य हैं। इस कैटेगरी में वे सभी राज्य होंगे जहां पे गवर्नमेंट सेक्टर में भी कुछ ना कुछ परसेंट आरक्षण होगा, तो वहीं प्राइवेट सेक्टर में कुछ ना कुछ परसेंट आरक्षण। तो इस कैटेगरी में सबसे पहला राज्य है हरियाणा, जहां पे 75% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लेने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिल पाई है। तो वहीं गवर्नमेंट सेक्टर में कुल मिलाकर 50% आरक्षण हरियाणा राज्य के लोगों को दिया जा चुका है। इसके बाद का राज्य है हिमाचल प्रदेश, जहां पे प्राइवेट सेक्टर में 80% सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। तो वहीं अगर गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात करूं तो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में अगर आप जॉब करेंगे तो आपको आठवीं में उस राज्य से आठवीं और दसवीं की पास होना आपको अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ राज्य में बताया गया कि 100% आरक्षण दिया गया है प्राइवेट सेक्टर में वहां के स्थानीय लोगों को। तो वहीं गवर्नमेंट सेक्टर में भी 100% दिया गया है, लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जिनके लिए 100% है, सभी पूरे राज्य के लिए नहीं है। जैसे आपका जो बस्तर संभाग है वहां के स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण दिया गया। तो ये थे हमारे 10 से 12 राज्य जहां पे अलग अलग, जैसे प्राइवेट सेक्टर में तो कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में आरक्षित किया गया है। इसके बाद का जो हमारा पॉइंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रूल, भारतीय संविधान क्या कहता है इस आरक्षण को लेकर। पार्ट 3 आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसे हम फंडामेंटल राइट भी कहते हैं। मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें मूल अधिकार जिसे हम समता या समानता दोनों एक ही शब्द है, समानता का अधिकार दिया गया है, जिसके तहत अनुच्छेद 14 आपका आता है। इसमें व्याख्या किया गया है कि देश के किसी भी राज्य में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर वंचित किया जाएगा तो उसके ऊपर जो कोर्ट है, जो हमारी न्यायपालिका है, वह उसको दोषी करार कर उसे सजा देंगे। इसके साथ ही अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। इसी तरह से अनुच्छेद 16 में पहला पॉइंट कहा गया कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक समान अवसर की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ अनुच्छेद 13 में दूसरा पॉइंट है कि राज्य सरकार ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाएगी जो मूल अधिकार के खिलाफ हो, और अगर ऐसा होता है तो भारतीय न्यायपालिका उस नियम को रद्द कर सकती है। तो ऐसे में जो ये नियम बनाया गया है मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से कि 100% जो गवर्नमेंट जॉब होगा वो सिर्फ स्थानीय नागरिकों के लिए दिया जाएगा, तो ऐसे में ये अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 का सीधे सीधे उल्लंघन माना जाएगा। अब इसीलिए कहा गया कि ये इतना जल्दी लागू नहीं हो जाएगा जितनी जल्दी से मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। संविधान के इन अनुच्छेदों के उल्लंघन के बावजूद भी क्यों राज्य सरकार ऐसे कदम उठाती है, तो ये भी हमें समझना होगा। जैसे बताया गया कि अनुच्छेद 15 में पांचवा पॉइंट है कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों की उन्नति या अनुसूचित जो जाति होती है, अनुसूचित जनजाति होती है, उनके लिए राज्य सरकार कोई भी नियम कानून बना सकती है, उसे न्यायपालिका रद्द नहीं कर सकती है। इसके साथ ये भी कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है उसके तहत अगर कोई भी पॉइंट जोड़ा जाता है तो उसे भी न्यायपालिका रद्द नहीं कर सकती है। तो ऐसे में इन दो पॉइंटों के माध्यम से राज्य सरकार कोई भी नियम कानून अपने राज्य के निवासियों के लिए कोई भी अधिकार बना सकती है। इस वीडियो का लास्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। लास्ट पॉइंट है एक्सपर्ट की राय। इस पूरी घोषणा को प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी की सरकार है और 27 सीटों पर उपचुनाव होना है, और अगर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बने रहना है तो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने ही पड़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 एक्सपर्ट हैं। तो पहले एक्सपर्ट है दिनेश गुप्ता, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनका भी मानना है कि फैसला जो लिया गया है कि इस तरह से 100% जो जॉब होगा गवर्नमेंट सेक्टर में वो सिर्फ मध्य प्रदेश के युवाओं को दिया जाएगा, ये चुनाव को देखकर ही लिया गया है, लेकिन जब तक इस पर बहस होगी, जब तक ये लागू होगा, तब तक ये इलेक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और मामला कोर्ट में गया तो कितना समय लगेगा इसके बारे में कोई भी जानकारी किसी को नहीं है। राज्य में सरकारी जॉब मिलना सरकार ने ही मुश्किल बना दिया। जैसे मध्य प्रदेश में रिटायरमेंट की उम्र पहले 60 साल हुआ करती थी, अब उसे बढ़ाकर 62 साल कर दिया गया। तो पहली समस्या है
इसके साथ ही खाली पड़े जो शिक्षकों की पद होती थी उसे अब संविदा कर्मी के माध्यम से कर दिया गया है, अब उनकी भर्ती कर दी गई है। तो ऐसे में गवर्नमेंट जॉब के लिए वैकेंसी है, लेकिन सरकार ने ही ऐसा नियम कानून बना दिया गया है कि जिससे लगता है कि राज्य में गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई वैकेंसी ही नहीं रह गई है। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं अजीत सिन्हा, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। जब देश एक है तो यहाँ के नागरिक भी अलग अलग राज्यों के नहीं बल्कि एक देश के नागरिक हैं। राज्यवार आरक्षण के नाम पर इन्हें बांटना सही नहीं है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई पहले एक राज्य रहा और बाद में विभाजित हो गया हो तो नागरिक स्थान के लिहाज से भले ही अलग हो गया कि ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले, ये बिहार के रहने वाले, ये मध्य प्रदेश से, लेकिन अधिकार के आधार पर नहीं होने चाहिए। उनके लिए अलग अलग नियम बना देना राष्ट्रवाद के एकदम खिलाफ है। हम समझ पा रहे होंगे कि सिर्फ एक देश में कई देश बना दिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के लिए अलग नियम, बिहार के लिए अलग नियम, ऐसे ऐसे हम बनाएंगे तो आगे चलकर पूरे देश के लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगे। लास्ट में जो हमारे एक्सपर्ट है रविनंदर सिंह, जो संविधान के विशेषज्ञ हैं, इनका ये भी मानना है कि अनुच्छेद 14, 15, 16, जैसे मैंने आपको बताया कि 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, ये सीधे सीधे इसका उल्लंघन करता है और ये संघीय ढांचे में रोजगार के अवसर को प्रदेश के सीमित लोगों के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता और ये जो किया गया ये पूरी तरह से गलत है। तो ये थी हमारी आज की सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा किया है कि राज्य में अब राज्य के युवाओं को ही गवर्नमेंट सेक्टर में 100% सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी, ये पूरी तरह से खिलाफ है। आपकी क्या राय है इसके बारे में आप जरूर बताइएगा। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो आपके लिए इसके बारे में जानना और आपकी राय जानना बहुत ही जरूरी बन जाता है। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।